हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारी मुर्गी है उनको हम हरा चारा देते हुए बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, जो हम चारा है दोस्तों वो हरा चारा इसीलिए देते हैं क्योंकि मुर्गी को अपने फीड बचाने के लिए देती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे जो मुर्गी वो दोस्तों अच्छे तरीके से खाती भी है और वो हरे चारे में दोस्तों प्रोटीन भी अच्छा रहता है और दोस्तों जो इनका ये है पेट वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। हाँ दोस्तों, इनका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, इसीलिए हम मुर्गी को हरा चारा देते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, हम देते हैं फीड इनको, यानी वो चारा वो हरा चारा, और मुर्गी कैसे खाती है वो भी आपको बताते हैं और इसके फायदे क्या क्या होते हैं और इनका नुकसान क्या क्या होता है वो सब बताएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, हम देते हैं। ये देखो दोस्तों, जैसे ही हमने डाले चारा दोस्तों, वैसे ही मुर्गियाँ खाने में लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अब मैं इनका बता देता हूँ फायदा। ये दोस्तों, ये चारा देने से मुर्गियाँ अच्छी रहती है और तंदुरुस्त रहती है, क्योंकि दोस्तों हरे चारा देने से मुर्गियाँ को ज़्यादा बीमारी का खतरा भी नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, ये मुर्गी अच्छी तरह से खाती भी है और इनको ज़्यादा बीमारी आने का खतरा भी नहीं रहता, और ये मुर्गियाँ को जो बीमारी का अटैक आने वाला है वो पूरी तरह से दूर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मुर्गियाँ बाहर तो घूमती है लेकिन उनको ऐसा चारा नहीं मिल सकता, लेकिन हम इनको मुर्गियों को ऐसा चारा देते हैं दोस्तों जिससे मुर्गियाँ का जो उनका ये है पेट वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी ये मुर्गियाँ फीड खाती है दोस्तों, यानी बाजरा, मक्का, सोयाबीन, डीओसी और चावल का छिल टुकड़ा, चावल का टुकड़ा और गेहूँ, दोस्तों ये वाला जो फिक्स हम जो घर पे ही बनाते हैं मिक्स करके, अच्छे से पिसवा के मिक्स करके फिर उसके बाद हम मुर्गियों को देते हैं, लेकिन दोस्तों वाला फीड थोड़ा महंगा ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वो वाला फीड थोड़ा महंगा ही पड़ता है, इसीलिए हम दोस्तों फीड की कन्वर्सन करके यानी फीड की बचत करके इसीलिए हम ये वाला फीड मुर्गी को देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने तो अपने खेत में ही उगता है, तो इसीलिए हम वहीं से ला के सीधा इनको मुर्गियों को देते हैं। और दोस्तों ये मुर्गियाँ भी अच्छी तरीके से खाती है, इसीलिए हम दोस्तों ज़्यादा करके ये वाला ही फीड देते हैं दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये मुर्गियाँ कितने अच्छे से खा रही है, और देखो दोस्तों हमारा चूजा जो है वो भी अच्छे से फीट खा रहा है। ये देखो दोस्तों, बाकी के जो हमारे चूजे है वो भी कितने अच्छे से फीट खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी अच्छी तरीके से मुर्गियाँ भी अच्छे से फीट खाती है दोस्तों। और अब मैं अब इनका बता देता हूँ नुकसान दोस्तों, इसका नुकसान एक भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे सिर्फ एक ही नुकसान होता है दोस्तों कि मुर्गियों को रोज आप फीड ये वाला नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ये वाला फीड देने से मुर्गियाँ यानी बार बार देने से मुर्गियाँ ये वाला फीड अच्छी तरीके से नहीं खाती, लेकिन दोस्तों हफ्ते में एक दिन आपने दे दिए तो दोस्तों ये मुर्गियाँ अच्छे से फीड भी खाती है और इनका पेट पूरा साफ हो जाता है और दोस्तों इनको बीमारी भी नहीं आती है, बीमारी आने का जो अटैक है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ हम थोड़ा सा मेडिसिन में आपको बता देते हैं। मेडिसिन में दोस्तों आप इन्हें वाइमेरॉल का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, 1 लीटर पानी में दोस्तों 1 ml दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 1 लीटर पानी में 1 ml आप इनको मुर्गियों को दे सकते हो दोस्तों पानी में, और दोस्तों इनको अच्छी तरीके से ये मेडिसिन भी आप दे सकते हो। मेडिसिन मात्र आपको सस्ती मिलती है, 120 रुपये में 30 ml का ये आता है दोस्तों बॉटल। हाँ दोस्तों, और इनको मेडिसिन देने के बाद दोस्तों आप फीड जो बनाया हुआ है आपने मिक्स घर पे ही बनाया हुआ फीड वो भी दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और इनमें जो अंडे देने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो अंडे देने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और मुर्गियाँ
ज़्यादा तादाद में अंडे देती है। इसीलिए दोस्तों आप भी ये ट्रिक का ये ट्रिक आपको इस्तेमाल कर सकते हो। देसी जुगाड़ है दोस्तों, लेकिन बहुत कारगर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप ये देसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हो और मुर्गी को जो बीमारी का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है और आपका जो पैसा है वो बच जाता है और आपको अंडे से इनका मुनाफा ही मुनाफा है दोस्तों। इसीलिए आप इस चारे को दे सकते हो। और देखो दोस्तों, कितने अच्छे से हमारी मुर्गियाँ पत्ते खा रही है, पत्ते यानी ये वाला फीड दोस्तों, कितने अच्छे से खा रही है। और दोस्तों अभी बाकी की मुर्गियाँ अभी अच्छे से खा रही है। ये देखो एक मुर्गी ऊपर ही एक पैर करके है खड़ी। हाँ दोस्तों देखो, एक मुर्गी एक पैर पे खड़ी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका पैर नहीं है, लेकिन पैर है दोस्तों, लेकिन वो मुर्गी ने ऊपर रख दी। आप देखो दोस्तों, मैं आपके सामने ही बता देता हूँ, ये देखो दोस्तों, लेकिन मैं उसके पास ले जाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसके पैर आ गए भी, देखो दोस्तों आ गए पैर दोस्तों। हमारी मुर्गियाँ दोस्तों बहुत ही ये है। और देखो दोस्तों, कितने अच्छे से मुर्गियाँ फीड वगैरह भी खा रही है। और देखो दोस्तों, हमारा मुर्गा और कितने अच्छे से फीड वगैरह खा रही है। अगर से दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।